Hello everyone, I'm Sandeep. Well, I hope guys you all are well. Welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम देखेंगे मेकअप जो बिगनर्स हैं उन्हें किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए जिसके साथ हमारा जो मेकअप है कंप्लीट हो, हमारा जो मेकअप है वो एक फ्लॉलेस मेकअप रहे. ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये एक क्वेश्चन मिला है कि आपने जब आप मेकअप करते हो तो आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं यूज करते हैं, तो हम इतने प्रोडक्ट किस तरह से यूज करने हैं हमें कुछ पता नहीं चलता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास मेकअप के जो प्रोडक्ट हैं. ठीक है, तो कुछ दो तीन साल पहले, तीन साल पहले मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी. ठीक है, तो मेरे पास कोई जो प्रोडक्ट नहीं थे, जस्ट मेरे पास एक लिप शेड हुआ करती थी, मेरे पास एक आईब्रो पेंसिल हुआ करती थी. ठीक है, तो मेरे पास जो मैं मेकअप वीडियोज में दिखाती हूँ, मैंने मेकअप सीखा है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट जब बन गई तो उसके बाद मैंने इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं लिए हैं. अदरवाइज इतने सारे प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप अपने खुद पर मेकअप करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 7 से 8 प्रोडक्ट चाहिए जिनके साथ आप अपना मेकअप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जब मुझे मेकअप के ऑर्डर मिलते हैं मुझे नहीं पता कि आगे जब मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा क्लाइंट कौन सी स्किन से है, उसका क्या कॉम्प्लेक्शन है, इसकी वजह से मुझे जो सारे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं. ठीक है, अदरवाइज मैं इतने प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदूंगी. और पहले मेरे पास इतने प्रोडक्ट हुआ भी नहीं करते थे और मुझे नहीं पता था कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करना है. ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी कि जो प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और अदरवाइज मैं कुछ डिफरेंट नहीं बताऊंगी, ज्यादा प्रोडक्ट आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, जस्ट रीजनेबल प्राइस में जो आप मेकअप खरीद सकते हैं जो आपकी स्किन पर सूटेबल रहेंगे. नेक्स्ट, अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके पास है कि हमें कौन सा बेस चाहिए, कौन सी फाउंडेशन चाहिए, तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है. अदरवाइज मेरे आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके कुछ भी फाउंडेशन से रिलेटेड, आपके बेस से रिलेटेड आपको कौन सा चाहिए आप मुझे ओरिजिनल पिक्चर सेंड कर सकते हैं. उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको कौन सा शेड लेना चाहिए और आपको किस तरह से मेकअप करना. आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ठीक है, बहुत ही कम प्रोडक्ट बताऊंगी, और अगर आप सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट की जरूरत है. आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लीजिए, अदरवाइज इतने प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, ये मैसेज मिल रहा है कि हमारी शादी होने वाली है तो हमें कुछ मेकअप के ट्रिक्स चाहिए लॉकडाउन के टाइम. अभी सभी आई थिंक फ्री हैं घर में, तो मुझे 4-5 मैसेज मिले हैं कि हमें किस तरह से मेकअप करना है और कौन कौन से जो मेकअप के प्रोडक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ताकि हम लेकर और अपना मेकअप करना सीखें. ठीक है, तो आज के वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए और हमें किस तरह से यूज. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहते हैं तो क्या है, जब आपने मेकअप करना है आपके फेस पर क्या होना चाहिए, आपके अपर लिप्स किए हुए होने चाहिए ताकि यहाँ पर जो मेकअप है वो केकी न लगे. ठीक है, नेक्स्ट आपकी आईब्रो की हुई होनी चाहिए. नेक्स्ट, मैंने अभी आईब्रो नहीं की हुई है. ठीक है, मेरी नॉर्मल जो आईब्रो है वो इतनी ही रहती है. ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे यहाँ पर फोरहेड पर जो हेयर्स यहाँ पर ग्रोथ है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम जो वैक्स है या कुछ थ्रेड है, जब मुझे किसी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, देन मैं जो अपना फोरहेड है इसे क्लियर कराती हूँ. अदरवाइज मैं इस तरह से कुछ यूज नहीं करती कि मैं क्लीन कराऊं या मुझे कोई हेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर आपके फोरहेड पर बहुत ही ज्यादा हेयर्स ग्रोथ है देन आपको अपना जो फोरहेड है इसे क्लीन कराना पड़ेगा. जब हमें मेकअप यूज करना है, हमारा जो फेस है अच्छे से, अच्छे जो भी आप क्लींजर यूज करते हैं उसके साथ सबसे पहले आपको क्लीन करना है. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मॉइस्चराइजर. ठीक है, मेरे पास ये मॉइस्चराइजर है, समर्स में मैं एक ये मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, ये एक लैक्मे का मॉइस्चराइजर है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल. तो मैं बताऊंगी कि हमें मॉइस्चराइजर क्यों यूज करना है. सबसे पहले मॉइस्चराइजर के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, हमारी जो स्किन है वो मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो मेकअप से डैमेज नहीं होती है, हमारी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइजर मिल जाता है, हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाती है. मॉइस्चराइजर यूज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब आप फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, जब आप बेस यूज कर रहे हैं. तो जो मॉइस्चराइजर है ये है फर्स्ट पॉइंट. अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर. इसी मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद हमें यूज करना है प्राइमर, जो कि सेकेंड स्टेप है. प्राइमर हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमारे फेस पर
ओपन पोर्स रहने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हमारा मेकअप जल्दी निकल जाता है और एक हमें प्लेन कैनवस मिल जाता है जब हम प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कौन सा प्राइमर यूज करना है, ठीक है। आपके पास जो भी प्राइमर अवेलेबल है, जो भी मार्केट से मिल रहा है, आप उस प्राइमर को ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है ये एक ब्राइडल स्टूडियो से है, ब्राइडल स्टूडियो 69 से मैं इस प्राइमर का यूज करती हूँ मोस्टली, तो काफी अच्छा प्राइमर है। सेकेंड जो स्टेप है वो है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर लगाने के बाद आपको क्या करना होता है, 5 मिनट स्टे करना होता है ताकि हमारी स्किन में अच्छे से जो प्राइमर है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके बाद जो भी फाउंडेशन है हमें यूज करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट मॉइस्चराइजर हो गया है, सेकंड प्राइमर हो गया है, आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं। और प्राइमर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज आप मुझे डीएम कर लीजिएगा, अदरवाइज कुछ ज्यादा मुझे मैसेज मिले कि हम कौन सा प्राइमर यूज करें, कैसे क्या कुछ है ना, फिर उसके लिए मैं एक वीडियो सेपरेट अपलोड कर दूंगी। मॉइस्चराइजर और प्राइमर के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है 5 मिनट स्टे करना है प्राइमर के बाद, और उसके बाद हमें यूज करना होता है ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। ऑरेंज करेक्टर किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, मैंने जो वीडियो अपलोड की उसमें मैंने आपको काफी बार बताया है ऑरेंज करेक्टर के लिए, ठीक है। तो ऑरेंज करेक्टर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैलेट है, ट्रायल ऑन डर्मा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। मेरे पास ये मेकअप एक पैलेट है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो अकॉर्डिंग टू स्किन कौन कौन से बेस हैं वो सभी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है। इस तरह से सभी जो बेस है इसमें ऐड किए गए, जो फाउंडेशन है इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर की, जो कि हमें प्राइमर के बाद यूज करना है, ठीक है। ये होते हैं ऑरेंज करेक्टर, ठीक है, इस तरह का होता है, लाइक इस तरह का ऑरेंज शेड में दिखाई देता है, ठीक है। मैं मोस्टली सभी को जो ऑरेंज करेक्टर के लिए पूछते हैं तो मैं उन्हें ये जो करेक्टर है वो सजेस्ट करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बैक साइड D30, ठीक है। जो ऑरेंज करेक्टर है वो डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट और जो लाइट पिगमेंटेशन है उसे हाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल है तो आपको क्या करना है, आप इसे फिंगर टिप्स में लीजिए और इस तरह से लगाकर उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपके जो डार्क सर्कल हैं वो हाइड हो सके। नेक्स्ट, अगर आपको जो ये ऑरेंज करेक्टर इस तरह के जो छोटे से जो कंटेनर में नहीं मिल रहा है, डर्मा पैलेट का आपको ऑरेंज करेक्टर नहीं मिल रहा, तो मार्केट में बहुत ही सारे जो ऑरेंज करेक्टर अवेलेबल हैं आप उसे यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आपका जो डार्क सर्कल है, जो आपके डोर स्पॉट है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये भी काफी मैसेज मिले हैं कि हमारा जो मेकअप है उसे फ्लॉलेस लुक नहीं मिलता है, वो क्या कर रहे हैं कि वो ओनली फाउंडेशन यूज कर लेते हैं, उसके साथ हमारा जो डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, वो हाइड नहीं होते हैं, ठीक है। पहले आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, फिर आपको प्राइमर यूज करना है, 5 मिनट स्टे करना है, उसके बाद अगर आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम है देन आपको ऑरेंज करेक्टर यूज करना है। नेक्स्ट आता है फोर्थ जो स्टेप है, ठीक है, आपने ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है, अब ऑरेंज करेक्टर को हमें ब्लेंड किस तरह करना है, ठीक है। मेरे पास इस तरह की स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, लाइक इस तरह के, मोस्टली अब मैं इस स्पॉन्ज का यूज कर रही हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आप मेकअप सीखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है या कुछ इस तरह की कंडीशन है, ठीक है, आपको मेकअप करना पसंद है, ठीक है, आपको क्या करना है, स्पॉन्ज लेना है, आपको इस तरह का 200-300 में अच्छा स्पॉन्ज मिल जाएगा जो कि 2-3 साल तक अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह का आप स्पॉन्ज ले लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे पानी में डिप करना है, अच्छे से आपको स्क्वीज करना है, ठीक है। स्क्वीज करने के बाद आपको जब इसमें बिल्कुल जो पानी है वो निचोड़ना है आपको, ठीक है, अच्छे से जब स्क्वीज हो जाएगा तो जो भी आपने ऑरेंज करेक्टर यूज किया है, ठीक है, आपको इस तरह से उसे यूज करना है, लाइक आपको डैब डैब करना है, लाइक इस तरह से डैब डैब करना है आपको, उसे इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर मेकअप को नहीं करना है। तो आपके जो डार्क सर्कल हैं, अगर आपको मेकअप को इस तरह से कर रहे हैं तो वो हमारा जो मेकअप है वो यहाँ से उतरकर इस जगह पर चला जाएगा और हमारा जो डार्क सर्कल है वो हाइड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो ये स्पॉन्ज है उसे इस तरह से डैब डैब करना है ताकि जो हमने प्रोडक्ट यूज किया है वो हमारे स्किन के अंदर चला जाए, ठीक है, वो इधर से इधर ना हो, हमारी स्किन के अंदर चला जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो स्पॉन्ज है उसे अच्छे से पहले आपको डैम्प करना है, ठीक है, उसे स्क्वीज करना है, उसके बाद आपको इसे यूज करना है, ठीक है। मेकअप जब आपको पता है कि हमें मेकअप करना है, 10-15 मिनट पहले इस तरह से आपको डैम्प कीजिए, आप उसे अच्छे से स्क्वीज कीजिए, आप इस तरह से स्पॉन्ज को करके रख दीजिए ताकि हमारे जो
स्पॉन्ज है अच्छे से स्क्वीज हो जाए, इसमें कम पानी रहे, ठीक है, ना के बराबर पानी होना चाहिए बट डैम्प होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो ये ब्यूटी ब्लेंडर है इसे यूज करना है, मेकअप को इधर से उधर नहीं करना है। अगर आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करेंगे तो आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस लुक नहीं देगा। ध्यान रहे कि आपको इस कंडीशन में ही जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसे यूज करना है, और आपको यूज करने के बाद इसे अच्छे से वॉश करके रखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम इसे इजिली यूज कर पाए, ठीक है। तो ये था फोर्थ जो टिप है, ऑरेंज करेक्टर आपने यूज कर लिया, उसके बाद आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। जिस तरह से मैंने ब्लेंड करना आपको बता दिया है, आपको इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट लगाना है उसे इसी तरह स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड करते रहना है ताकि आपका जो मेकअप है एक फ्लॉलेस लुक दे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आ जाती है, जब आपका ऑरेंज करेक्टर अच्छे से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है तो उसके बाद हमें यूज करना होता है स्किन शेड, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको स्किन शेड किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक तो इस तरह के पैलेट हैं जिसके अंदर जो ये सारे के सारे जो स्किन शेड हैं अवेलेबल हैं। ये जो पैलेट है ये स्पेशल फॉर समर्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक ये पैलेट है जो कि स्पेशल विंटर के लिए है, जो भी हमारे इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसमें सारे के सारे जो शेड हैं वो अवेलेबल हैं। कई बार अगर परफेक्ट शेड नहीं भी जा रहा है तो मैं क्या करती हूँ, दो शेड को मिक्स करती हूँ, आफ्टर देन मैं अपने क्लाइंट के फेस पर उसे यूज कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्किन शेड यूज करनी है, ये एक सेपरेट वीडियो होगी कि आपको स्किन शेड किस तरह से यूज करनी है। तो अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो इस तरह का क्रायलोन का डर्मा पैलेट है, यहाँ पर मेंशन है D4, D4 एंड हाफ, D5, ठीक है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, जो ये D4 होता है ये एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए होता है, जो ये D4 एंड हाफ है ये होता है मीडियम कॉम्प्लेक्शन के लिए, और होता है जो D5 है ये होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए, ठीक है। जस्ट मैं एक नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, अगर आप जल्दी से मेकअप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ओनली अपनी जो स्किन शेड है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका बहुत अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप ओनली D4 ले लीजिएगा, तो आप उसे अपने फेस पर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मीडियम कॉम्प्लेक्शन से हैं, जो ये एक करेक्टर है ये अलग से भी मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने पैलेट खरीद रखा है क्योंकि मुझे डिफरेंट जो स्किन पर मेकअप करने होते हैं तो मेरे लिए ये सारे यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक जो ये कंटेनर होता है उसे खरीद सकते हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है 450 तक होती है, ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है प्लीज आप देख के ही लीजिएगा, इस तरह के कंटेनर होते हैं और बैक साइड जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के जो तीन बेस होते हैं इस पैलेट के अंदर स्किन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप फाउंडेशन का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप फाउंडेशन के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन सी फाउंडेशन के रिव्यू वीडियो चाहिए, कौन सी स्किन पर किस तरह से जाएगा ये मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस जो फाउंडेशन है उसका आपको यूज करके बताऊं, ठीक है। तो आपका अब फाउंडेशन भी क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ओनली एक फाउंडेशन लेना है, जिस तरह से मेरे पास इतने सारे हैं आपको उसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट जब आपने ऑरेंज करेक्टर यूज कर लिया, आपने अपने स्किन शेड यूज कर लिया, ठीक है, आपको क्या करना है, आप यूज कर सकते हैं ब्लश यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए एक बेस्ट रहते हैं, उनके ये फेवरेट जो स्टेप होते हैं, लाइक ब्लश होता है, हाइलाइटर होता है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। ये जब मैं वीडियो में यूज करूंगी तभी आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको ओनली कंटूर करना है और आप इस तरह की शेड से अपना फेस है जो कंटूर कर सकते हैं, लाइक इस एरिया में कंटूर करना होता है वो मैं स्पेशल आपको वीडियो में बताऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंटूर करना है, ठीक है। फेस जब आपके क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी जो कंटूर कर सकते हैं फेस को, अगर आपका फेस ब्रॉड है तो आप अपना फेस है जो कंटूर कीजिए, ठीक है। मुझे अपना फेस है बहुत ही ब्रॉड सा लगता है तो यहाँ पर मैं चिक्स की कटिंग करती हूँ ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा सेट लगे, ठीक है, काफी ब्रॉड ना लगे मेकअप के साथ, ठीक है। तो जिनका फेस ब्रॉड है वो यूज करेंगे कंटूर शेड, ठीक है। तो जब आपने बेस कर लिया, जस्ट हमें नॉर्मल रहना है, आप कंटूर भी मत यूज कीजिएगा, ठीक है। जब आपके बेस कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद हमें यूज करना होता है पाउडर मेकअप को पैक करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो ये प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट हैं इन्हें ये अवेलेबल हैं, ठीक है। ये लूज पाउडर है यहाँ पर, ठीक है, हमें अपने जो मेकअप है उसे बेकिंग के लिए उसकी बेकिंग के लिए हमें यूज करना पड़ता है पाउडर का, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर से आपको जो पाउडर है, जो पाउडर हमें यूज करना है, आप उसे इस स्पॉन्ज के अंदर लगाकर फिर से अपनी स्किन पर इस तरह से डैब डैब करना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सारे के सारे हमने फाउंडेशन बेस
जो भी कुछ यूज किया अच्छे से वो बेक हो जाए, तो इस तरह से आपको पाउडर का यूज करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिक्स नंबर प्रोडक्ट है वो रहेगा पाउडर। आपको पाउडर का यूज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है पाउडर के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो पैक हो जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो हमारा जो मेकअप है वो निकलेगा नहीं जब हमने पाउडर के साथ मेकअप को अच्छे से पैक कर। लूज पाउडर और जो हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं इनका मेन काम है जो हमारा मेकअप है उसे पैक करना है, ठीक है, बेकिंग करना है। लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट का काम ये है। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यूज करके बताऊंगी और भी डिटेल के साथ, जब प्रैक्टिकल होगा तो बताऊंगी ताकि आपको इजीली पता चले। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, लिप शेड का यूज करना है। नेक्स्ट आपको अपने आईब्रोज को फिल करना है। जस्ट एक नॉर्मल पेंसिल के साथ अपना आईब्रो फिल कर लीजिएगा। सजेस्ट करती हूँ आप अपने आईब्रो को फिल करने के लिए, लाइक अगर आप बिगनर है तो इस तरह का जो एक पेंसिल आता है ओनली 30-50 इतनी उसकी रेंज है, आप उसका यूज कर सकते हैं। आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेकअप पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको ना एक आई शेडो पैलेट लेना है जिसके अंदर ब्लैक शेड हो और बाकी सारे भी जो शेड हैं आपके लिए यूज हो जाए, आपकी आई शेडो के लिए यूज हो जाए, ठीक है। जब आपका मेकअप कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक आप अपनी आई शेडो पैलेट से, अगर आपके पास पेंसिल नहीं है आपके पास कोई आई शेडो पैलेट है तो आप क्या कीजिए, यहां से आप अगर आपके पास ब्रश है तो अच्छा है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो ईयरबड होते हैं आपको क्या करना है, यहां से शेड को पिक करना है और अपने जो आईब्रोज हैं उन्हें फिल करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप अपने आई शेडो का यूज कीजिए अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। आईब्रो को फिल करना मस्ट है, जब आप ये मेकअप कर रहे हो उसके बाद आप आईब्रो को जरूर फिल कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छा लुक मिल सके, एक प्रॉपर लुक मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक आई शेडो पैलेट खरीद लीजिए जिसमें ब्लैक शेड हो और लाइक इस तरह के इम्पोर्टेंट से शेड हो जिनके साथ आपका जो मेकअप है अच्छा दिखाई दे, ठीक है। आप जो इस तरह के आई शेडो पैलेट है इनके साथ अपना आईब्रो फिल कर सकते हैं, आप आई लाइनर यूज कर सकते हैं, आप काजल फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3-4 काम आ जाएंगे, आपके आई शेडो के काम आ जाएगा। आप एक ही आई शेडो पैलेट पर इन्वेस्ट कीजिए अगर आप नया नया मेकअप सीखना चाहते हैं। तो उसके बाद आप एक लिप शेड का यूज कर लीजिए। जब आपका पूरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें यूज करना है मेकअप फिक्सर का। इसकी जो कॉस्ट है ओनली 300 का है जो ये मेकअप फिक्सर है, ठीक है। तो जो ये मेकअप फिक्सर है ये है स्विस ब्यूटी से, ओनली आई थिंक 300 तक इसकी कॉस्ट है। तो आप इस मेकअप प्रोडक्ट, इस मेकअप फिक्सर का यूज कर सकते हैं। जो भी आपने सारे के सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं वो ज्यादातर पाउडरी फॉर्म में होते हैं। जब हम मेकअप स्प्रे करते हैं उसके बाद हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैम्प करते हैं तो हमारा जो मेकअप है अच्छे से हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह का मेकअप फिक्सर जरूर खरीद लीजिएगा जिसके साथ हमारा जो फ्लॉलेस लुक क्रिएट होगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बिना आपका मेकअप नहीं हो पाएगा। 7-8 प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको जो ये प्रोडक्ट है मिल जाएंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए, आपको और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जस्ट 7-8 प्रोडक्ट चाहिए जिसके साथ आप मेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगी कि जो ये मैंने आपको सारे स्टेप बताए हैं ये किस तरह से हमें अपने फेस पर यूज करने हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप जरूर शेयर कीजिए आपको किन टॉपिक पर वीडियोस देखना अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूंगी कि जो ये प्रोडक्ट है इन्हें किस तरह से यूज करना है। जो ये वीडियो है स्पेशल अब 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूंगी जो कि बिगनर्स के लिए होंगे। सो या थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।